हाँ जी फ्रेंड्स, आइए जानते हैं रियोलॉजी ऑफ आइडल फ्लोर्स एंड पॉलीमर्स में न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लोर्स। फ्लोर्स के बारे में जानते हैं, न्यूटोनियन फ्लोर क्या होता है और नॉन न्यूटोनियन फ्लोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो न्यूटोनियन फ्लोर्स का नियम है, जो न्यूटन फ्लोर्स का जो नियम है, वो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। इतना से आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, जितना हम स्ट्रेस करेंगे इसको, जितना हम स्ट्रेस करते जाएंगे उतना हमारा स्ट्रेन होता जाएगा, जितना स्ट्रेस करेंगे उतना ही स्ट्रेन होगा। ये न्यूटन का नियम है। कोई भी मटेरियल है उसको जितना स्ट्रेस करेंगे, जितना फोर्स कर रहे हैं उतना ही स्ट्रेन हो रहा है, उतना ही तनाव होता जा रहा है। जितना ही हम स्ट्रेस कर रहे हैं उतना ही तनाव हो रहा है। मतलब का शेयर स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली इसके दर में वही बढ़ोतरी होते जाता है। जो स्ट्रेन है उसका जो दर है वो बढ़ता जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जितना ही हम फोर्स करेंगे, जितना ही स्ट्रेस करेंगे उतना ही स्ट्रेन का दर बढ़ता जाएगा, स्ट्रेन रेट बढ़ता जाएगा। ये है न्यूटन का फ्लोर्स का नियम। और जो वह फ्लोर्स जो न्यूटन के नियमों को फॉलो करता है, जो इस नियम पे चलता है, जितना स्ट्रेस होगा उतना ही दर बढ़ता जाएगा स्ट्रेन का, जो इस नियम को फॉलो करता है वो न्यूटोनियन फ्लोर्स है। और जो नॉन न्यूटोनियन फ्लोर्स, इसमें क्या होता है कि वह फ्लोर्स जो न्यूटन के नियमों को फॉलो नहीं करता है उसे नॉन न्यूटोनियन फ्लोर्स कहते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।